ऑस्ट्रेलिया की स्विनबर्न यूनिवर्सिटी, जो कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, मेलबर्न में लोकेटेड यूनिवर्सिटी, इसका जीटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे इसकी जीटीई आसानी से क्लियर की जा सकती है और जीटी इंटरव्यू को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, वो सारी बात आज मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं प्रोफेसर रोहित गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम ओवरसीज जलंधर। लगातार ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड कनाडा की स्टडी वीज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में, जो कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और मेलबर्न में लोकेटेड यूनिवर्सिटी, विच इज़ इन द प्राइम सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो उस यूनिवर्सिटी में स्पेक्ट्रम ओवरसीज़ के स्टूडेंट्स ने आसानी से जीटी क्राइटेरिया क्लियर किया। तो वो जीटी क्राइटेरिया कैसा है और कैसे उसको आसानी से स्टूडेंट्स ने क्लियर किया, उसी के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो हम समझते हैं जीटी क्राइटेरिया ऑफ स्विनबर्न यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इसमें फाइनेंशियल्स, जो कि स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा सरदर्द होता है, फाइनेंशियल्स कैसे लगाने चाहिए जीटी क्राइटेरिया में। फाइनेंशियल के लिए क्लियर कट डायरेक्शंस ये हैं कि आपको 3 मंथ ओल्ड फाइनेंशियल्स चाहिए, अराउंड 30 लाख। अगर आप मास्टर्स डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं या फिर बैचलर डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं तो 25 से 30 लाख के बीच में 30 लाख का आइडिया लेके चलें। 3 मंथ ओल्ड आपको फाइनेंसेस लगाने हैं। अगर आपके अकाउंट में 30 लाख ओल्ड फंड्स हैं भी, बट 3 महीने पहले अगर आपके स्पॉन्सर के अकाउंट में बल्क एंट्री आई थी 30 लाख की, तो आपको सोर्स ऑफ फंड्स ज़रूर दिखाना पड़ सकता है, बिकॉज यूनिवर्सिटी में डिमांड 6 मंथ स्टेटमेंट फ्रॉम योर साइड एज वेल। अगर आपकी FDs भी हैं, फिक्स डिपॉजिट्स भी हैं, तो वो ट्राई करिए वो 6 मंथ्स या 1 ईयर ओल्ड हों, तो दैट वुड बी बेटर। अब कौन से आपका स्पॉन्सर कौन हो सकता है, कौन से रिलेशंस आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनमें इंक्लूडेड है योर पेरेंट्स, योर मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, योर पेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर अंकल एंड आंट्स, दैट मीन्स आपके चाचा, मामा, ताया, भुआ, मासी, वो सब स्पॉन्सर कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आपका एक ही स्पॉन्सर होना चाहिए, यू कैन हैव 3 स्पॉन्सर्स एज वेल, राइट। तो इसके साथ, फाइनेंशियल्स के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है फैमिली इनकम, जो आपके स्पॉन्सर्स हैं उनकी मिला के, अगर 3 स्पॉन्सर भी हैं तो उनकी मिला के जो एनुअल इनकम है वो 13 लाख क्रॉस करी होनी चाहिए। आपको उसकी इनकम प्रूफ, दैट इज़ इनकम टैक्स रिटर्न्स देने होंगे। अगर आपके पास पिछले 3 साल के रिटर्न्स नहीं भी हैं, इवन देन इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, तो इनकम टैक्स रिटर्न्स आपका CA मैनेज कर देगा। वो नई रिटर्न्स भर के भी, आप नए प्रूफ देके भी आप उसको GTE क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होगा, अगर आपका स्पॉन्सर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसका फॉर्म 16, उसका गवर्नमेंट जॉब का ID कार्ड, उसकी GPF स्टेटमेंट अगर मिल जाए, एंड उसके आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। आधार कार्ड, पैन कार्ड तो सारे स्पॉन्सर्स के, वेदर दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई और नॉट। इन स्पॉन्सर्स की तरफ से एफिडेविट्स, डिक्लेरेशन दैट दे आर रेडी टू स्पॉन्सर यू। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ SOP। आपकी जो SOP है वो काफ़ी डिटेल्ड होनी चाहिए, उसमें डिटेल्ड रिसर्च आपकी दिखनी चाहिए कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है, आप ऑस्ट्रेलिया में क्यों पढ़ने आ रहे हो। तो इन सब की डिटेल्ड रिसर्च विद द लिंक्स फ्रॉम वेयर यू हैव सर्च्ड दिस, तो वो आपको एक कंपैरेटिव स्टडी इसमें दिखानी होगी। तो SOP शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, उसमें स्पेक्ट्रम ओवरसीज के एक्सपर्ट काउंसलर्स एंड SOP राइटर्स आपकी मदद कर सकते हैं। दे कैन गिव यू हिंट्स एंड आइडियाज फॉर राइटिंग योर ओन SOP। नाउ क्रेडिट, जो GTE इंटरव्यू है उसके लिए मैं आपको 5 टॉपिक्स देना चाहता हूँ। इन 5 टॉपिक्स पे फोकस करिए, आपका GTE इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा वेरी इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल, अबाउट योरसेल्फ। अबाउट योरसेल्फ में आ जाएगा, दैट मीन्स आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपका करियर ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। नाउ सेकंड थिंग, व्हाई हैव यू चूजन ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ किया, कोई और कंट्री क्यों नहीं चूज़ किया, उसका अदर कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन, जो कंट्रीज़ आपकी सर्च में थे या सोच में थे कि मैं इधर इधर जा सकता हूं, तो उन बाकी के कंट्रीज़ को आपने रिजेक्ट करके ऑस्ट्रेलिया क्यों फाइनलाइज किया। यही चीज़ आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन इज कोर्स, कि आपने इस कोर्स को सिलेक्ट किया, इसके पीछे क्या रीज़न था, कोई और कोर्स देखे थे तो उनको क्यों नहीं लिया, उनको छोड़ के इसी कोर्स को क्यों सिलेक्ट किया, और इस कोर्स के करियर आउटकम्स क्या होंगे, इस कोर्स के बाद हम क्या करेंगे, इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे। तो कोर्स के बारे में डिटेल्ड प्रेपरेशन होनी चाहिए, जो आपने SOP में लिखा है वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है GT इंटरव्यू में। देन द फोर्थ क्वेश्चन इज़ वाई दिस यूनिवर्सिटी, तो इस यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की कोई और यूनिवर्सिटी नहीं देखी, या फिर आपने अदर कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपैरेटिव स्टडी आपने SOP में भी देनी है और अपनी GT इंटरव्यू में भी इसको बोलना है। द फिफ्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ अबाउट योर फाइनेंशियल्स, तो आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आपके स्पॉन्सर की इनकम एग्जैक्टली आपको याद होनी चाहिए। आपको ऐसे नहीं कहना है कि मेरे स्पॉन्सर की इनकम अराउंड 6 लाख है या मेरे स्पॉन्सर के पास सेविंग अकाउंट में अराउंड इतना पैसा है। यू शुड बी एग्जैक्ट, आपने जो GT के लिए डॉक्यूमेंट दिए आपको एग्जैक्ट फिगर्स वो याद होने चाहिए, तो इसकी मदद से आपका GTE इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। एंड GTE जो सारा क्राइटेरिया है उसमें फाइनेंशियल्स वगैरह इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देंगे, तो आपका GTE बहुत ईजिली क्लियर हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कोई भी क्वेरी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।